प्यारे दोस्तों, आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम बायो का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। आप सब लोग जानते हैं कि जिस्म के अंदर जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट बनते हैं जो जिस्म यूटिलाइज कर लेता है। एक तरफ तो वो मुफीद चीजें बनी जो जिस्म के अंदर इस्तेमाल हो जानी है, लेकिन साथ साथ बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं जो जिस्म के लिए फजूल है, फालतू है, कचरा है, जिस्म को उसकी जरूरत नहीं है। और उस कचरे को, उन फालतू चीजों को खारिज करना एक्सक्रीशन कहलाएगा। आज हमने प्लेनेरिया की एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है कि प्लेनेरिया के अंदर जो फालतू चीजें बनती हैं वो कैसे खारिज करता है। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं प्लेनेरिया है क्या, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका जो प्लेनेरिया है ये जिस ग्रुप से ताल्लुक रखता है उसको हम कहते हैं फ्लैट वॉर्म। ऐसे कीड़े जिनका जिस्म चिपटा होता है, चिपटा मतलब वो गोल नहीं होंगे, जैसे हमारा हाथ ये चिपटा है, इसकी एक साइड की चौड़ाई जो है वो ज्यादा है और दूसरी साइड की चौड़ाई जो है वो कम है। ऐसे जो वॉर्म्स हैं वो फ्लैट वॉर्म्स कहलाएंगे और उनका ताल्लुक होता है फाइलम प्लेटी हेलमेंथीस से। फाइलम प्लेटी हेलमेंथीस का मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जितने भी उसके अंदर कीड़े मौजूद हैं वो सारे उनकी फ्लैट बॉडी होगी। अब हमारा जो कंसर्न था वो था उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ चलते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि प्लेनेरिया जो है वो एक फ्लैट वॉर्म है और फ्लैट वॉर्म जिस फाइलम से ताल्लुक रखते हैं उस फाइलम को कहते हैं प्लेटी हेलमेंथीस। अब इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके लिए हम खास टर्म यूज करते हैं, दैट इज प्रोटोनेफ्रीडियम। प्लेनेरिया के एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम जो नाम देते हैं वो नाम आपने जहन नशीन करना है, याद रखना, उसको हम कहेंगे प्रोटोनेफ्रीडियम। आज हमने इस प्रोटोनेफ्रीडियम का स्ट्रक्चर देखना है। यही प्रोटोनेफ्रीडियम जो उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है प्लेनेरिया का। अब प्लेनेरिया का जो ये प्रोटोनेफ्रीडियम है ये है क्या, देखें इधर मैंने डायग्राम ड्रा की हुई है। ये प्लेनेरिया की बॉडी है और ये देखें अंदर एक ट्यूब नजर आ रही है, बड़ी सी ट्यूब। ट्यूब का एक नेटवर्क है, ये उलझी हुई ट्यूब है जो पूरी की पूरी बॉडी में बिखरी हुई है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, प्रोटोनेफ्रीडियम इज द नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब। ये एक जाल सा बिछा हुआ है पूरे जिस्म में क्लोज्ड ट्यूब का। तो ये क्या हुआ, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब। ये क्लोज्ड ट्यूब का एक नेटवर्क है जो प्लेनेरिया की पूरी बॉडी में बिखरा पड़ा है। अब यहां पे एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज ट्यूब। क्लोज ट्यूब का मतलब ये है कि देखें ये एक ट्यूब है, पूरी बॉडी में बिखरी हुई है, लेकिन अंदर की तरफ इसका कोई पोर नहीं होगा। बाहर ये बॉडी की सरफेस पे मुख्तलिफ पोर्स के जरिए से खुलती है बाहर, क्योंकि इसने वेस्ट मटेरियल को खारिज करना है, लेकिन अंदर की तरफ कोई पोर मौजूद नहीं है, पूरे का पूरा जाल बगैर पोर्स के है। तो क्लोज किस लिए कहा, बिकॉज देयर इज नो इंटरनल ओपनिंग की बात कर रहा हूं। अंदर की तरफ ये बिल्कुल क्लोज होगी, अंदर कोई ओपनिंग नहीं होगा, लेकिन बाहर की तरफ ये मुख्तलिफ पोर से खुल रही होती है। बहुत सारे पोर होते हैं सरफेस के ऊपर, ट्यूब बाहर पोर्स के जरिए से खुलती है, बहुत सारे पोर होते हैं, इनको हम कहते हैं नेफ्रिडियोपोर्स। तो एक कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल गया, प्रोटोनेफ्रीडियम ये है नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्स। अब देखें इसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से हैं। देखें प्रोटोनेफ्रीडियम एक जो जाल बना हुआ है, इसका छोटा सा हिस्सा हम बाहर निकालते हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो प्रोटोनेफ्रीडियम है, जो जाल बिछा हुआ है अंदर नालियों का, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये किस चीज से बना हुआ है। सबसे पहले देखें, ये मैंने छोटा सा हिस्सा बाहर ड्रा किया है,
तो यहां पे अंदर की तरफ ब्रांचेज है, हर ब्रांच के एंड पे एक कैप लगी हुई है, मैंने कहा ओपनिंग नहीं है बल्कि ओपनिंग की जगह पे कैप लगी हुई है, इस कैप के लिए हम खास टर्म यूज करते हैं, दैट इज द फ्लेम सेल। अंदर की तरफ बहुत सारी ब्रांचेज है, हर ब्रांच के एंड पे ओपनिंग नहीं है बल्कि फ्लेम सेल मौजूद है। दूसरा इसका कंपोनेंट देखिए, फ्लेम सेल हो गया एक्सक्रीटरी डक्ट। अब ये सारे के सारे फ्लेम सेल ये एक नहीं है, मैंने तो छोटा सा हिस्सा जिसमें एक दिखाया हुआ, हर ब्रांच के एंड पे अंदर जितनी भी ब्रांचेज है हर ब्रांच के एंड पे एक फ्लेम सेल होगा, सारी की सारी ब्रांचेज आके एक डक्ट में खुलेंगी, इसको हम क्या कहते हैं, ये इसका दूसरा कंपोनेंट है, इसको हम कहेंगे एक्सक्रीटरी डक्ट। और मैंने कहा कि बाहर बहुत सारी नालियों से खुलती है, ये एक्सक्रीटरी डक्ट जो है बाहर की तरफ खुलेगी, ये देखिए बाहर, ये बाहर जिस सुराख से खुलेगी वो कहलाएगा एक्सक्रीटरी पोर। तो हमें पता चल गया कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, फ्लेम सेल, एक्सक्रीटरी डक्ट एंड नेफ्रिडियोपोर। फ्लेम सेल के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि फ्लेम सेल को फ्लेम सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि जैसे कि कोई अपना जल रही हो मोमबत्ती, और मोमबत्ती का ऊपर जो फ्लेम नजर आता है ये उसकी तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको फ्लेम सेल कहते हैं। फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर देखें, इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है साइटोप्लाज्म भी होता है, लेकिन इनका एक स्पेसिफिक करेक्टर, हर फ्लेम सेल के अंदर छोटे छोटे भाग मौजूद होते हैं, बालों का एक गुच्छा होता है जिनको हम कहते हैं सीलिया, और इसी सीलिया के मूवमेंट की वजह से ऐसे लगता है कि जैसे ये फ्लेम जो है जिस तरह फ्लेम मूव कर रहा होता है इस तरह ऐसे सीलिया मूव करते हैं, तो ये फ्लेम सेल भी उसी तरह बिल्कुल फ्लेम की तरह मूव करता हुआ नजर आता है, इन्हीं सीलिया की वजह से इनको फ्लेम सेल का नाम दिया गया। ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया जी, स्ट्रक्चर में हमने देख लिया कि ये क्लोज ट्यूब है, क्लोज ट्यूब के अंदर हर जो इसकी ब्रांच है उसके एंड पे एक सेल मौजूद है जिसको हम फ्लेम सेल कहते हैं, सारी ब्रांचेज एक बड़ी डक्ट में खुलती हैं जिसको हम एक्सक्रीटरी डक्ट कह रहे हैं, और एक्सक्रीटरी डक्ट बाहर खुलती है नेफ्रिडियोपोर की मदद से। अब देखें ये काम कैसे करता है, ये जो सीलिया है इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये यहां पे होता है इंटरस्टीशियल फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड जिसको कहते हैं, पूरी बॉडी फ्लूइड है, इसमें जरूरत की चीजें भी है और वेस्ट मटेरियल भी है। जब ये सीलिया मूव करते हैं तो इनका काम क्या है कि इस इंटरस्टीशियल जो फ्लूइड है इससे वेस्ट मटेरियल इन डक्ट्स में आ जाते हैं। फ्लेम सेल्स ने काम किया, उन्होंने क्या किया, जो कचरा है जो वेस्ट मटेरियल है उसको पूरी बॉडी से चूसा और कहां पे ले आए, इन छोटी नालियों के अंदर, छोटी नालियां सारी की सारी जितनी ब्रांचेज है वो कहां खुली, एक्सक्रीटरी डक्ट में। अब वेस्ट मटेरियल कहां आया, यहां से एक्सक्रीटरी डक्ट में आया और बाहर देखें सरफेस पर बहुत सारे पोर मौजूद हैं, हर एक्सक्रीटरी पोर से वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो फ्लेम सेल ने सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल जहां पे वेस्ट मटेरियल इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कहां दिया, एक्सक्रीटरी डक्ट में, और एक्सक्रीटरी डक्ट से ये बाहर नेफ्रिडियोपोर के जरिए से खारिज हो गया। यहां एक और बात याद करने की है, प्लेनेरिया हम कह रहे हैं ये फ्लैट वार्म का एक ग्रुप है। अब फ्लैट वार्म जो है सारों के अंदर प्रोटोनेफ्रिडियम पाया जाएगा, तकरीबन ऐसा ही एक्सक्रीटरी सिस्टम है जैसा प्लेनेरिया में मौजूद है। लेकिन अब फ्लैट वार्म दो तरह के होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं ये देखिए, और कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइट है जैसे प्लेनेरिया, ये पानी के अंदर रहता है। तो पानी के अंदर रहता है तो इसके अंदर वेस्ट मटेरियल कौन से होंगे, जो पानी में रह रहा है उसके लिए पानी जरूरत से ज्यादा है तो वो पानी से जान छुड़वाता है, तो इन्होंने क्या डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करना है ताकि पानी भी निकल जाए और वेस्ट मटेरियल भी निकल जाए, तो ये डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। अब जो पैरासिटिक फ्लैट वॉर्म है जो बॉडी के अंदर रहते हैं, पैरासाइट वही होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है,
तो वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, वो आइसोटॉनिक रहते हैं। आइसोटॉनिक मतलब उन्हें पानी और साल्ट इसका मसला नहीं होता। तो उन्होंने सिर्फ नाइट्रोजनियस वेस्ट एक्सक्रीट करने होते हैं। ये दोनों के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का फर्क है। जो होंगे फ्रेश वाटर फ्लेम फ्लैटवर्म, क्योंकि उन्होंने पानी से भी जान छुड़वानी है, तो वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, जिससे पानी भी जिस्म से निकल जाएगा और वेस्ट मटेरियल भी निकल जाएंगे। लेकिन जो पैरासिटिक है उनको पानी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि पानी उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो वो फिर क्या करेंगे, सिर्फ नाइट्रोजनियस वेस्ट को एक्सक्रीट करेंगे। ये फ्लैट वार्म की दो टाइप है। जो फ्रेश वाटर है उन्होंने डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करना है, जो पैरासिटिक फ्लैट वार्म है उन्होंने नाइट्रोजनियस वेस्ट एक्सक्रीट करना है। तो ये हमने देखी प्लेनेरिया का बहुत सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसको हम नाम दे रहे हैं प्रोटोनेफ्रीडियम का। वो एक क्लोज ट्यूब है, अंदर की तरफ कोई ओपनिंग नहीं होती, फ्लेम सेल से ये बना हुआ होता है। फ्लेम सेल का मैंने आपको बताया कि इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है। सारी फ्लेम सेल वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करके एक्सक्रीटरी डक्ट में डालते हैं। एक्सक्रीटरी डक्ट जो है वो बाहर खुलती है नेफ्रिडियोपोर के जरिए से, और इस तरह से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों की हेल्प करना चाहें तो उनके साथ शेयर करें। आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।